मेडिकल एसोसिएशन ने आज सुबह 6 बजे से मंगलवार की सुबह 6 बजे तक यानी 24 घंटे ओपीडी बंद रखने का आह्वान किया है, जबकि सभी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं चालू हैं। पुरातत्व और पर्यावरण विषय पर आज जशपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने दीप जलाकर संगोष्ठी की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री सागर ने कहा कि जशपुर जिला पुरातत्व और पर्यावरण की दृष्टि से बेहद समृद्ध है। यह सुदूर आदिवासी क्षेत्र होने के कारण अभी तक यह इलाका सर्वेक्षण और गहन अध्ययन से अछूता रहा है। यही वजह है कि पुरातात्विक महत्व के कई तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं। उन्होंने कहा कि जशपुर जिले में पाषाण युगीन काल की सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, इसे संरक्षित करने की जरूरत है। कलेक्टर ने यह भी कहा कि जशपुर क्षेत्र में पाषाण युगीन काल के हाल ही में 3 से 4 स्थान प्रकाश में आए हैं। यहां उत्तर पाषाण काल के भी स्थान मौजूद हैं। ये सोचा जाता था कि जैसे रायपुर जिले से सोचते हुए कि पुरातत्व के संदर्भ में जिले में कुछ साइट्स नहीं है, लेकिन लगातार साइट्स यहाँ पे मिल रही है। हमको एक संभावना भी लगती है कि कोई बड़ी साइट्स भी यहाँ पे होने की संभावना है, जैसे लिखा पत्थर, लिखा पहाड़, रेंगले, ये पाषाणयुगीन सभ्यताओं के साइट्स मिले हैं, उसके संवर्धन का काम चल रहा है। और जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसको देख के लगता है कि और भी साइट्स अंदरूनी क्षेत्र में होने की संभावना है, तो उसमें भी रिसर्च और खोज चालू है कि तो उसमें मिल जाए। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के शोध निदेशक प्रोफेसर सर्वेश दत्त त्रिपाठी ने कहा कि सिर्फ सगड़, पुल, पुलिया, रेल और भवनों के निर्माण को ही विकास नहीं कहा जा सकता। स्थायी विकास के लिए नव निर्माण के साथ साथ अपनी विरासत, पर्यावरण, जैव विविधता, परंपरा और संस्कृति को भी सहेजना और संवारना जरूरी है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एवं संजातीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए तथा पुरातात्विक सामग्रियों को संरक्षित करने के लिए यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस संगोष्ठी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुरातत्व वेत्ताओं, इतिहासकारों और पर्यावरण विदों के माध्यम से जिले के समृद्ध पुरातत्व को संरक्षित और संवर्धित करना है। आज सद्गुरु संत कबीर की जयंती है। इस अवसर पर आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर रायपुर स्थित अपने निवास से कबीर पंथी जुलूस और मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। मुख्यमंत्री ने कबीर जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि संत कबीर का जीवन दर्शन आज भी प्रासंगिक है। प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी संत कबीर जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि संत कबीर के संदेश आज भी समाज की कुरीतियों को दूर कर मानवता को राह दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। कड़कनाथ मुर्गे के पालन और नस्ल को बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कोरबा के वैज्ञानिकों ने सस्ता इंक्यूबेटर मशीन तैयार कर कड़कनाथ मुर्गी के अंडों से स्वस्थ चूजे पैदा करने में सफलता हासिल की है। इस अनूठे और सस्ते आविष्कार के बाद अब मुर्गी पालन करने वाले किसानों में कड़कनाथ मुर्गी के पालन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। कोरबा जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर ग्राम लखनपुर में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कड़कनाथ के अंडे से सुरक्षित और स्वस्थ चूजे पैदा करने के लिए देशी तकनीक से सस्ता इंक्यूबेटर मशीन तैयार की है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गी अंडे नहीं सेती, जिसके कारण अधिकांश अंडे खराब हो जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर एस के उपाध्याय ने बताया कि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई मशीन से कड़कनाथ के अंडों से सुरक्षित और स्वस्थ चूजों के जन्म देने का सफल परीक्षण किया गया है। यह मुर्गी पालन करने वाले किसानों के लिए काफी लाभदायी साबित होगा।
अंडों से बच्चे उसमें बच्चे आए हैं, वो इससे ऐसा लगता है कि ये मशीन जो है हमारे जिले के किसानों के लिए और कम आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को भी ये फायदेमंद हो। इसके लिए तकनीक को ईजाद किया जा रहा है, अगर उसमें हमको सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से कड़कनाथ का उत्पादन जो है और अंडे की जो सेने की प्रक्रिया है जिसके कारण उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, तो इसमें इसका हमें आगे किसानों के लिए लाभदायी होगा। किसानों ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक इस सफलता के बाद अब 900 अंडों की क्षमता वाली मशीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। 900 अंडे की और मशीन हम लोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं और ये नेचुरल जैसे मुर्गी सेती है वैसी इस मशीन पे भी सेम प्रोसेसिंग रहता है, उसी टेम्परेचर उसी ह्यूमिडिटी पे भी काम करता है और सेम लगभग उसी दिन पे, जैसे मुर्गी जो सेती अंडे तो 21 दिन में आते हैं चूजे उससे, और ये मशीन से भी लगभग 21 दिन में ही अंडे से चूजे आते हैं। आपको बता दें कि कड़कनाथ मुर्गे का मांस कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होता है, यही वजह है कि कड़कनाथ की कीमत दूसरे मुर्गों की अपेक्षा ज्यादा होती है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र आज नव निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ हुआ शुरू। प्रोटेम स्पीकर ने सदस्यों को पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के इस सत्र में सकारात्मक बहस होने की जताई उम्मीद, कहा संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अवकाश के दिन कार्यालय खोलकर शिक्षकों के बैंक खाते में जमा कराया गया लंबित वेतन, नगरीय प्रशासन विभाग के 3 अधिकारियों को नोटिस। और डॉक्टरों के साथ मारपीट के विरोध में इंटर्न मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।